प्रोफेसर नवीद मजीद आज एक बहुत अहम मौजू की तरफ आप सबकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी मेरी बाकी तमाम वीडियोस की तरह आपको पसंद आएगी। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि क्या मैट्रिक और इंटर लेवल पर मुख्तलिफ मजामीन के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल NMGA प्रेपरेशन सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप सब लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख सके। मशहूर अमरीकी मुसन्निफ और लेक्चरर हेलन केलर का कॉल है कि असल टीचिंग टेक्स्ट बुक से उतनी ही सीखी जा सकती है जितना एक सर्जन सर्जरी के बारे में पढ़ने से अपना हुनर सीख सकता है। बतौर उस्ताद मैं ये कहूंगा कि टीचिंग के लिए एक उस्ताद को सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए अमली मिसालों और दिलचस्प मुतलका मिसालों का भी सहारा लेना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल से बदकिस्मती से मैट्रिक और इंटर टीचर्स नंबर्स गेम की वजह से बच्चों को टेक्स्ट बुक्स तक ही महदूद कर रहे हैं जिससे तालिब इल्म 95 से 99% नंबर्स तो हासिल कर रहे हैं लेकिन वो अमली जिंदगी में नाकाम हैं और उनमें तख्लीकी सलाहियतें भी पैदा नहीं होती। तालिब इल्मों को लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक तक महदूद करने का मतलब ये है कि हर तालिब इल्म तोते की तरह रट्टा लगाएगा और इसमें मुशाहदे और चीजों को सोचने और समझने की सलाहियत भी पैदा नहीं होगी। मैं ये बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि आजकल जो तालिब इल्म अपने अल्फाज में रट्टा लगाए बगैर इम्तहानात में सवालात के जवाब देते हैं उनके इम्तहानात में नंबर्स भी कम आते हैं क्योंकि पेपर्स चेक करने वाले टीचर्स का या तो इल्म महदूद होता है या वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक लाइन टू लाइन चेक करते हैं। हाल तो अब ये है कि ज्यादातर तालिब इल्म भी उस टीचर को पसंद करते हैं जो टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ाए और तालिब इल्मों को टेक्स्ट बुक के अलावा कोई चीज ना पढ़ाए। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ मैट्रिक और इंटर लेवल पर एक कोर्स आउटलाइन बनाई जाए जिसमें हर टॉपिक या मौजू के ऑब्जेक्टिव्स वाजे कर देने चाहिए और फिर असातिज़ा और तालिब इल्मों को आज़ादी देनी चाहिए कि वो उस मौजू के अपने मर्जी और मंशा के मुताबिक नोट्स बनाएं जिससे उनमें तख्लीकी सलाहियतें उजागर हों। इसके अलावा पेपर चेकिंग के मेयार को भी बेहतर बनाया जाए और सिर्फ टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन लिखने वाले तालिब इल्मों को ही सिर्फ अच्छे नंबर ना दिए जाएं बल्कि तख्लीकी तरीके से पेपर हल करने वालों को भी अच्छे नंबर्स दिए जाने चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो के इख्तिताम पे कहूंगा इसमें कोई शक नहीं कि तख्लीकी सलाहियत इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।